हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड्स लिए हुए हैं। ब्रेड्स को इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने कट कर लिया है। मैंने यहाँ एक तरफ गैस पर घी जो है गरम करने के लिए रख लिया है, तो आप इसके लिए देसी घी ही यूज करें। मैंने भी वो मेल्ट कर लिया है, गरम हो गया है अच्छे से। और दूसरी तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हमको घी गरम होने के बाद ब्रेड के जो स्लाइस हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिए हैं उन्हें इस तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर इसका अच्छे से आ जाना चाहिए, इतना हम उसे फ्राई करेंगे। एक तरफ से ब्रेड अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी बस हमें इसी तरह से ब्रेड में कलर लाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही ब्रेड्स को शैलो फ्राई कर लिया है। आप अगर इतना भी नहीं घी चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट पर है, तो फिर आप इसे और बहुत ज़्यादा कम ही ऑयल डाल के यूं ही किसी भी तवे पर फ्राई कर सकते हैं। वैसे भी चल जाएगा, मगर इसकी टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आती है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हमें इसे इसकी रबड़ी बनानी है। तो रबड़ी बनाने के लिए तो आपको पता ही है, दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसमें जितना भी इस तरह से खुरचन निकलेगी हम इसी में ऐड करते जाएंगे, ताकि दूध हमारा अच्छे से पककर गाढ़ा हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर मिक्स किया है, जिससे दूध में इस तरह का येलो कलर आ गया है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। आप अगर टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप फूड कलर भी यूज कर सकते हो। बच्चे ऐसे तो काजू और बादाम खाने में बड़े नखरे करते हैं, तो हम भी उनकी मम्मी हैं। हम ऐड करेंगे काजू और बादाम की पाउडर, जिससे हमारा रबड़ी को जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी भी बन जाएगी। तो इसमें जितना मन चाहे आप काजू बादाम की पाउडर ऐड कर देना और बस इसे मिला देना अच्छे से। अब दूध उबलते उबलते लगभग गाढ़ा होकर आधा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पाउडर शुगर। तो मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 इलायची जो है हमें वो यूज़ करनी है। मैंने उसके साथ में ही पीस लिया है, क्योंकि इतनी कम इलायची जो है वो पीसी तो नहीं जाती है, तो मैंने इसी तरह से इसे पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल जो शुगर हमारे घर में होती है वो, तो हमें मीठा इतना चाहिए होगा रबड़ी में, उसमें हमारे ब्रेड जो है अच्छी तरह से मीठे हो जाए। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है 5 बड़े चम्मच शुगर, और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और भी गाढ़ा हमें इसे बनाना है। तो हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हो मैं इस तरह से डाल रही हूँ, तो ये तुरंत नहीं जा रहा है, और पीछे चम्मच के पीछे इस तरह से उसकी एक लेयर बन रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। अब इसमें को है ना, हम सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए बस इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि कहीं पे भी दूध जमे नहीं। इसीलिए हम इस तरह से इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा 1-2 मिनट में। तो ये हमने शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड को इस तरह से एक प्लेट में अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम रबड़ी पोर करेंगे। तो 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो रबड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत ज्यादा ठंडी ना करें इसे। तो ये हम पोर कर रहे हैं रबड़ी। रबड़ी हमने अच्छे से पोर कर ली है, तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने कलरफुल दिखने के लिए थोड़े से टूटी फ्रूटी यहाँ पर यूज किए हैं, तो इससे ये लुक में बहुत अच्छा दिखता है फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई रोस्ट किए हुए नट्स। तो मैं यहाँ पर आलमंड्स यूज कर रही हूँ, थोड़े से काजू के टुकड़े, हम इसे शाही बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो भर भर के इसके अंदर जाएंगी, तभी तो ये डिश शाही बनेगी। तो हमने इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। अब मेहमान आए या फिर कोई त्यौहार वगैरह है या फिर भूख लगाना है, तो आप ये जरूर जरूर से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लगता है। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है,
आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।